हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शकुंतला बैंकिंग एकेडमी बाय दीपक सर। आज मैं आप लोगों के सामने अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, जो कि अभी मार्केट में इसका बहुत डिमांड चल रहा है, उसका दो टॉपिक बैक टू बैक दो टॉपिक, दैट मींस पहला टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, और दूसरा जो टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। मैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का खतरनाक अप्रोच लेके आया हूँ, यानी कि आपको हम वहाँ पे कुछ ब्रह्मास्त्र के बारे में बताएंगे और उसका एप्लीकेशन करके हम सम्स को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद मेरा जो रहेगा डीआई वो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लास्ट तक देखिए, ठीक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यूट्यूब के बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम नया वीडियोस को अपलोड करें तो आपके मेल में वो नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। जब भी हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या मार्कअप परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का डीआई करने जाते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक हम लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बेसिक क्या है उसको देखिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग सीपी, एसपी और एमआरपी का एक रिलेशन मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, सीपी, एसपी एंड एमआरपी का रिलेशन मुझे पता होना चाहिए, तब हम लोग सीपी, एसपी, एमआरपी, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, मार्कअप, उसका जो डीआई होता है आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीपी, एसपी, ये हो गया एमआरपी, सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, एमआरपी मतलब हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, सीपी और एसपी के बीच का जो रिलेशन होता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का, एसपी और एमआरपी के बीच का जो रिलेशन होता है डिस्काउंट परसेंट का। ठीक है, और सीपी और एमआरपी का जो बीच का जो रिलेशन होता है वो मार्कअप का होता है, मार्कअप, मार्कअप। ठीक है, चलिए अगर आपको बोलेगा कि मार्कअप किया गया 60%, अगर बोलेगा मार्क्ड बाय 60%, इसका मीनिंग है कि कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाएगा 160%। ठीक है, चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेलिंग प्राइस का बात करें तो सेलिंग प्राइस जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इनटू सीपी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट के लिए प्लस करते हैं एंड लॉस परसेंट के लिए माइनस करते हैं। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो तो 100 को ऊपर रखते हैं, 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। अगर हम यहां पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो रखें तो ये क्या होगा, 100 प्लस माइनस आर, प्रॉफिट होता है तो प्लस, अगर लॉस होता है माइनस। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट में रिलेशन आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम एसपी का बात करें, एसपी विल बी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इनटू एमआरपी। ठीक है, यहीं पे एसपी बाई अगर हम एमआरपी का बात करें तो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट
by 100. आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट इसी में है, अगर इतना चीज समझ गए तो, नहीं आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के अरिथमेटिक में प्रॉब्लम होगा, नहीं उससे रिलेटेड डीआई में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एसपी टू सीपी। रेशियो हमेशा परसेंटेज देता है। साइमल्टेनियसली टू कैलकुलेट डिस्काउंट परसेंट डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एसपी टू एमआरपी, ठीक है। यहाँ भी परसेंटेज का जहां पे भी बात करता है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रेशियो हमेशा आपको परसेंटेज देता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो है डीआई हम स्टार्ट करते हैं जो अभी देने वाला है, ठीक है। चलिए यहां पे जो आपका जो डीआई दिया हुआ है, यहां पे दो चीज का जो परसेंटेज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है मार्कअप परसेंट और दूसरा दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंट। अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो टेबल गिवन बिलो शो द मार्कअप एंड डिस्काउंट परसेंट ऑन 5 डिफरेंट आर्टिकल्स सोल्ड बाय अ रिटेलर, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा, यहाँ पे अगर हम बोला जाए तो दो चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, सॉरी डिस्काउंट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इट्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। अगर हम मार्कअप का बात करें तो मार्कअप जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि डिस्काउंट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इट्स एमआरपी, ठीक है। अब मार्कअप इज ऑलवेज एबोव ऑन सीपी, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इट्स एमआरपी एंड मार्कअप इज ऑलवेज एबोव ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी कि यहां पे डिस्काउंट परसेंट एंड मार्कअप परसेंट दोनों ही दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ही परसेंटेज में दिया हुआ है। अब देखिए जब भी कोई भी चीज परसेंटेज में दिया रहता है तो रेशियो और परसेंटेज बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, जब भी हाँ बोलो ना सर, बोलते हो ऐसे सर, अच्छा ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको परसेंटेज दिया रहता है तो परसेंटेज से परसेंटेज हम लोग बहुत जल्दी कैलकुलेट करते हैं, या परसेंटेज से रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी परसेंटेज दिया रहेगा अगर वहां पे वैल्यू पूछ देगा तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, परसेंटेज के साथ साथ अगर एक वैल्यू दे देता है तो हम लोग वहां से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आप लोगों को यहाँ पे तो दिखाई दे रहा होगा टेबल, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1, बोल रहा है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ पी एंड टी इज सेम, यानी कि एसपी ऑफ पी इज इक्वल टू एसपी ऑफ टी, दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही सेम है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पी टू दैट ऑफ टी। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पी टू कॉस्ट प्राइस ऑफ टी, इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। हम लोग एक तरफ पी को रखते हैं और दूसरी तरफ टी को रखते हैं, ठीक है, और यहां पे हम लोग वही रिलेशन लाते हैं
सीपी, ये हो गया एसपी और ये हो गया एमआरपी। ये जो है सीपी एसपी और एमआरपी का ये ब्रह्मास्त्र है। अगर इसको आप चलाना सीख गए तो आपको लाइफ में हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज यहां भी, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी और ये हो गया एमआरपी। सीपी एसपी एमआरपी, ये पी के लिए है, ये टी के लिए है। अब हम लोग दोनों को ही हम लोग यहां पे क्या कर दिए, सजा दिए, और उससे रिलेटेड डेटा को हम लोग जस्ट पुट कर देंगे, उससे रिलेटेड डेटा को हम पुट कर देंगे, यानी कि मार्कअप कितना किया गया है। पी पे अगर हम बात करें मार्कअप कितना किया गया उसको देखते हैं। ठीक है, तो पी पे मार्कअप जो है 50% किया गया है, यानी कि सीपी जो 100% है तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 150%। ठीक है, और यहां पे 30% का डिस्काउंट दिया गया है, 30% का डिस्काउंट। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो 30% ऑफ 150 कितना होता है, 45। 45 माइनस कर देंगे तो एसपी जो हो जाएगा 105 आ गया, 105% आपका एसपी हो गया। सुनिएगा, सीपी अगर 100% है, पी पे 50% का मार्कअप किया गया है, मार्कअप कितना का किया गया है, 50% का, यानी कि 50% एक्स्ट्रा हो गया। सीपी अगर 100% है तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 150। पी पे डिस्काउंट दिया गया 30% का, दैट मींस 30% ऑफ 150, 30% ऑफ 150%, दैट मींस इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 45%। ठीक है, चलिए, तो अगर हम 45 जो है डिस्काउंट दे दिए तो कितना बच गया, एमआरपी माइनस डिस्काउंट कितना, 105। चलिए, ये क्या हो गया, पी का सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या हो गया, पी का सेलिंग प्राइस हो गया। नेक्स्ट, टी के बारे में बोल रहा है, टी के बारे में बोल रहा है कि मार्कअप किया गया 50%, यानी कि सीपी अगर 100% है तो एमआरपी जो हो जाएगा 150%, और यहां पे 10% का डिस्काउंट दिया गया। कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, 10% का। अब सुनिएगा ध्यान से, तो 150 का 10% कितना होता है, 150 का 10% कितना हो गया, 15। यानी कि 150 माइनस 15 कितना हो गया, 135%। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, आपको यहां पे बोला है कि सेलिंग प्राइस यहां पे 105 आया, ये 135 है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहां पे सेलिंग प्राइस क्या बोला है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या बोला है, सेम बोला है, यानी कि दोनों को ही हमको इक्वल रखना पड़ेगा। अब इक्वल किस तरह से करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पे बात करें सेलिंग प्राइस 105 और ये 135 है, ठीक है, तो अगर हम इस तरह से इसको ब्रेक करते हैं, ये हो गया 20% 20 रेशियो, और ये कितना हो जाएगा, 21 रेशियो। ठीक है, अब यहां पे अगर बात किया जाए तो कितना, ये हो गया 20 और ये हो गया 27। ठीक है, अब नहीं कटने वाला है। अब देखिए, ये 21 और 27 को इक्वल करेंगे, 21 और 27 को अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अब यहां पे हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, तो जब यहां पे 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी मुझे 27 से करना पड़ेगा, यानी कि सीपीए आ गया, और यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, तो ये 20 सॉरी 21 से 21, तो यहां पे कितना, 21 इंटू 27, और यहां भी कितना आ गया, 21 इंटू 27,
तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 21 आ गया, ठीक है। यानी कि हम लोग दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना का भी, ठीक है। तो यहाँ भी वही किए। अब देखिए आप, तो ये हो गया सीपीपी का और ये सीपी क्या हो गया टी का, तो रेशियो ले लीजिए। यानी कि आपका कितना आ गया आपका 20 इंटू 27 बाई 20 इंटू 21, 20 इंटू 21, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। और यहां पे कितना 9 27 और यहां पे कितना 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 9:7। दिस इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, कोई डाउट है तो बोलिएगा यहां पे। अच्छा ठीक है, चलिए नंबर टू यहां पे जो बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू इज सीपी ऑफ क्यू इज 200 रुपीज मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर, 200 प्लस सीपी ऑफ आर, ठीक है। And mark price of Q is MRP of Q is equal to 520 plus mark price of R, MRP of R, ठीक है। Find the difference between selling price, find the difference between selling price, मतलब Q and R का difference चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक हम Q के लिए यहां पे रखेंगे, Q के लिए यानी कि यहां पे रखे CP, SP और ये हो गया MRP, एक रखे हम लोग R के लिए, यहां पे CP, SP, MRP, ठीक है। अब दोनों जो है आर के रिस्पेक्ट में बोला है, दोनों ही जो आर के रिस्पेक्ट में बोला है, तो काम करते हैं मान लेते हैं कि यहां पे सीपी जो है आर का है 100% है, ठीक है। अब आर से रिलेटेड और जो डेटा टेबल में दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, 60% मार्कअप किया गया, यानी कि एमआरपी कितना हो गया आपका 160%, 160% एमआरपी हो गया। आर में जो डिस्काउंट दिया वो 20% का दिया, आर में जो डिस्काउंट दिया 20% का, यानी कि 16 दुना 32, यहां पे 32 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 128%। दिस इज द सेलिंग प्राइस 128%, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अब क्यू के क्यू में आते हैं, 80% मार्कअप किया गया है, सीपी अगर 100% है, सीपी अगर 100% है तो एमआरपी हो जाएगा 180%, ठीक है। एमआरपी क्या हो जाएगा 180%। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग डेटा को रिलेट करेंगे, आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए, सुनिएगा, अगर हम लोग डेटा को अगर रिलेट करें तो यहां पे बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू जो है 200% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर, यानी कि यहां पे अगर हम बात करें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर दिया हुआ है 100%, 100% और प्लस 200 रुपया, ठीक है, क्योंकि हम यहां पे 100% माने हैं तो इसको 200 एक्स्ट्रा मान लिए हम। अब जो है क्यू को मार्कअप किया गया 80%, तो क्यू का जो मार्कअप प्राइस हो जाएगा 100 पे 80% मार्क करेंगे तो 180 हो जाएगा, प्लस
और यहाँ पे भी 80%, 200 का 80% कितना होता है 160, तो 200 प्लस 160 कितना हो गया 360, 360% हो गया, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका एमआरपी। चलिए फिर से एक बार सुनिएगा ध्यान से, यहां पे बोल रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ पी एंड टी इज सेम, सॉरी ये तो फर्स्ट ही बता रहे हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग आर को जो माने, आर जो आर का जो कॉस्ट प्राइस 100 था, एमआरपी कितना था, मतलब उस पे आर पे मार्कअप किया गया कितना परसेंट, 60%, तो 100 है तो 160 एमआरपी हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 160 माइनस 20% ऑफ 160 कितना 32, यानी कि 128, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू इज 200 रुपीज मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर, यानी कि क्यू आर का कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है, तो क्यू का कितना हो जाएगा 100% प्लस 200। अब बोला गया है कि यहां पे 80% मार्कअप किया गया है, इस पे 80% मार्कअप किया गया है, तो 100 का 80% कितना होता है 80, माने 180 हो गया यहां पे, 200 का 80% कितना हो जाएगा 160, यानी कि 200 प्लस 160 कितना हो गया 360। अब इधर ध्यान दीजिएगा दूसरा चीज, अब यहां पे बोल रहा है डिस्काउंट कितना दिया गया है, क्यू पे जो डिस्काउंट दिया गया 40%, 40% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 180 का 40% कितना हो जाएगा 78, 72, 72 माइनस कर दीजिए, यानी कि 108%, 108%, ठीक है, 108%। अब इसका 40% प्लस, ये परसेंटेज हटा दीजिए, ये परसेंटेज में नहीं रहेगा, यानी कि 40% जब इसका डिस्काउंट देंगे तो 60% ऑफ 360 कितना हो जाएगा 216, ठीक है। अब आपको इसी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस चाहिए, दिस माइनस दिस, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो आपको जो बोला है कि एमआरपी में, एमआरपी जो है क्यू का जो है वो 520 ज्यादा है, एमआरपी ऑफ क्यू इज 520 मोर देन एमआरपी ऑफ आर, ठीक है। तो उस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अब ध्यान दीजिएगा कि Q का MRP कितना हो गया 180% प्लस 360%, ठीक है, माइनस 160%, क्योंकि Q का MRP जो है वो क्या है 520 रुपए ज्यादा है R से, तो इसको हम 520 से इक्वेट कर देंगे, 520, ठीक है। 180 इसको इस परसेंटेज को बार बार आ जा रहा है, परसेंटेज नहीं होगा, ये 360 रुपया है, तो 180 माइनस 160 20%, 20% इज इक्वल टू, अब देखिए 520 माइनस 360 तो ये हो जाएगा आपका 0, और यहां पे कितना 12 माइनस 6 का कितना 6, और यहां पे कितना 160, यानी कि यहां पे 1% का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो जाएगा आपका 8 रुपया, 1% का वैल्यू कितना आ गया 8 रुपया। अब जब 1% का वैल्यू आ गया तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको डिफरेंस चाहिए एसपी का डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए तो 108% यहां पे देखिएगा 108% प्लस 216 माइनस 128%, 128%, 128%, ठीक है। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर निगेटिव भी आएगा तो भी हम उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे हम, ठीक है। ये तो एक यहां पे ऐसे आया था, अब देखिएगा यहां पे, अब ये जो लिख सकते हैं हम लोग इसको है, ये कितना हो गया आपका 216 माइनस, देखिए 128 माइनस 108
ये हो जाएगा 20, ठीक है। 216 माइनस 20%, यानी कि 216 अब 20% का वैल्यू है कितना, 160। 160 पुट कर दीजिए 160, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 6, और यहां पे 11 माइनस 6 5, यानी कि 56 रुपीस। दिस इज द आंसर। ओके, इस तरह से आप सम को कर सकते हैं, हम स्टेप वाइज पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। चलिए यहां पे बोल रहा है तीन नंबर जो बोल रहा है कि इफ रिटेलर अर्न 96 रुपीस एज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है यहां पे 96 रुपीस है ऑन सेलिंग आर्टिकल एस, जब वो एस को सेल कर रहा है तो 96 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। देन फाइंड द एमआरपी ऑफ आर्टिकल एस, यानी कि एमआरपी, एस का एमआरपी क्या होगा, ये बहुत ही आसान सम है। अब देखिए यहां पे हम लोग ये लिखेंगे सीपी, ये हो गया एसपी और ये हो गया एमआरपी। अगर एस का हम लोग डेटा का बात करें तो एस का जो डेटा है मार्कअप किया गया है 40%, दैट मींस सीपी अगर 100% है तो एमआरपी हो जाएगा 140%, ठीक है, और डिस्काउंट दिया गया 25% का, 25% का डिस्काउंट, That means 25% of 140, जो कि कितना होता है 35 होता है, 35% माइनस कर देंगे हम, यानी कि SP कितना हो जाएगा 105, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि 25% का मीनिंग होता है, 25% का मीनिंग होता है 1/4, ठीक है, यानी कि 4 पे 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस विल बी 3/4 इनटू 140, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यहां पे कितना 35 इनटू 3 105, यहां भी 105 आया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जबकि आपको यहां पे प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 96, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि सबका रेशियो ले लीजिए, अगर यहां पे ये कितना 5-5 से सब कट जाएगा, ये तीनों कटेगा, जब 5 से कटेगा तो ये सीपी कितना बनेगा 20 और ये कितना 21 और ये कितना 20 21 और यहां पे 28, ठीक है। अब देखिए सीपी अगर 20 है तो एसपी कितना है 21 है, अब यही 1:1 का जो डिफरेंस है वही तो 96 है, दैट मींस 1:1 का वैल्यू कितना हो गया, 1:1 का वैल्यू हो गया 96। आपको क्या चाहिए, एमआरपी चाहिए 28:1, तो 28:1 का जो वैल्यू हो गया 96 × 28, ठीक है। अगर हम 96 और 28 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2688 आ जाएगा, 2688, दिस इज द आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू टू दैट ऑफ आर, ठीक है, ये हो गया क्यू और इधर हम लोग आर लिख लिए, ठीक है, और यहां पे ब्रह्मास्त्र को रख लिए, सीपी ये हो गया एसपी और ये हो गया एमआरपी, ठीक है। सेम चीज यहां पे सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया एमआरपी,
ठीक है, इफ द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू टू आर इज 27:16, क्यू अगर 27 है, क्यू अगर 27 है तो आर इज 16, आर क्या होगा 16 होगा। दूसरा चीज, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ आर, सीपी ऑफ आर। अब देखिए आपको यहां पे परसेंटेज मोर चाहिए, परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस, और परसेंटेज के लिए भी हम लोग रेशियो रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिससे देन जुड़ा, जिससे भी देन जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बेस वैल्यू रखते हैं, ठीक है। चलिए अब जस्ट हम लोग जो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको जस्ट हम नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब मेरा जब इतना नोट डाउन कर लिए तो आंसर भी क्या हुआ, रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब टेबल को देख के परसेंटेज को पुट कर देना है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, पहले क्यू का क्या है, क्यू जो है यहां पे मार्कअप किया गया है 80%, मार्कअप किया गया है 80%, ठीक है। डिस्काउंट दिया गया है 40% का, डिस्काउंट दिया गया है 40%, बहुत अच्छा। अगर हम आर के बारे में बात करें तो मार्कअप किया गया है 60%, और यहां पे जो डिस्काउंट दिया गया है 20%, ठीक है। अब आप लोगों को कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू इज हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद 16 में सेल किया गया, ठीक है। तो एमआरपी यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 20% का मीनिंग होता है 1/5, ठीक है, यानी कि ये हो गया 5/4 इंटू कितना 16, तो ये 4 और ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो एमआरपी इसका कितना हो गया 20, एमआरपी कितना हो गया 20। अब देखिएगा ये 20 जो है 160% का वैल्यू है, 20 रेशियो जो है 160% का वैल्यू है, तो यहां से आप डायरेक्ट सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि 160% इज इक्वल टू 20, तो 100% कितना होगा, तो यहां पे कितना 20/160 इंटू 100, ठीक है। तो 20 वाट है 60 से, यानी कि 100/8 या इसको आप कर सकते हैं, जब हमको रेशियो ही लेना है तो आप रेशियो में ही रखिए, तो इसको आप बोल सकते हैं 25 और ये 2, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर इज 25/2 आ गया यहां से। अब दूसरा चीज, एमआरपी से उसी वही प्रोसेस है, 40% का वैल्यू होता है 2/5, यानी कि एमआरपी अगर 5 है तो वहां पे 2 का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो आपको 27 है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 रेशियो का वैल्यू कितना 27, यहां से 3 रेशियो का वैल्यू 27 है, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, तो 45 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सुनिएगा, यहां पे क्या हो गया, ये हो गया डिस्काउंट और ये हो गया एमआरपी, एमआरपी अगर कितना है 5 है,
तो डिस्काउंट 2 का दिया गया, तो सीपी कित ए सॉरी एसपी कितना हो जाएगा 3:3, तो 3:3 का वैल्यू 27 हो गया, तो 1:3 का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, तो 5:3 का वैल्यू कितना हो गया 45, 45। नहीं तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत लोग अगर इस तरह से नहीं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ पा रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, एमआरपी फाइंड आउट करना है तो 5 को ऊपर रखेंगे, 3 नीचे रहेगा और यहाँ पे कितना 27, ठीक है, तो ये भी आपको 45 ही आएगा। क्लियर है? दूसरा चीज, 45 जो है वो क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है जो कि कॉस्ट प्राइस से 80% क्या है ज्यादा है। तो आप बोल सकते हैं कि 180% का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया 45, तो यहां से 100% का वैल्यू कितना होगा 45/180 × 100, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया 20/25, यहां पे 9 हो जाएगा, 9 और यहां पे कितना 5, तो ये कितना हो गया 25, सीपी ऑफ क्यू कितना हो गया 25, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, सीपी ऑफ क्यू जो है 25 यहां पे है 25, सीपी ऑफ क्यू कितना है 25 है, और यहां पे सीपी ऑफ आर कितना है 25/2 है, 25/2, ठीक है। यानी कि ये दो तो ये 25-25 तो ऐसी कैंसिल हो जाएगा और दो ऊपर हो गया 2/1। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ आर अगर 1:3 है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू कितना हो जाएगा 2:3, यहां से ये बोल से डबल है, मतलब क्या है 100% ज्यादा है। दिस इज द आंसर। ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर एक को अगर हम 100% लिखेंगे तो दो को क्या लिखेंगे 200%। अब 200% इज हाउ मच परसेंट मोर देन 100%, तो कितना मोर हो जाएगा 100% होगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, नंबर 5, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच गिवन आर्टिकल इज सेम, यानी कि सीपी इज सेम, ठीक है, देन विच आर्टिकल इज सोल्ड एट मैक्सिमम प्रॉफिट, तो कौन से आर्टिकल को मैक्सिमम प्रॉफिट पे सेल किया गया है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का मीनिंग हो गया मार्कअप मैक्सिमम डिस्काउंट मिनिमम, यानी कि जिस आर्टिकल का मार्कअप सबसे ज्यादा होगा और डिस्काउंट सबसे कम होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सीपी सभी का सेम है 100%, 100%, 100%, 100%। अब सभी का हम डेटा को हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहां पे जो डेटा है पी का जो है मार्कअप किया गया है 50% का, यानी कि एमआरपी कितना हो जाएगा आपका 150%, और यहां पे डिस्काउंट दिया गया है 30% का, डिस्काउंट दिया गया है 30%, यानी कि 30% ऑफ 150, 45, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 105। सीपी अगर कितना है 100 है तो एसपी कितना है 105, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5% बोल सकते हैं, या सबका हम 100 रुपया माने हैं तो 100 या 5 रुपया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, नेक्स्ट क्यू में आते हैं, 80% मार्कअप किया गया है, एमआरपी कितना 8180, और यहां पे जो डिस्काउंट दिया गया है 40% का, यानी कि 8×6 = 108, तो यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ 8 का प्रॉफिट हो गया, 8% का प्रॉफिट हुआ। पी क्यू आर का अगर हम बात करें 60% मार्कअप किया गया है तो ये हो गया 160%, और 20% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। 16×2=32, 160 - 32 कितना हो जाएगा 128, यहां पे प्रॉफिट कितने का हो गया 28% का, ठीक है। अभी तक
आर मैक्सिमम जा रहा है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एस का अगर बात करें तो 40% मार्कअप किया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 140, और डिस्काउंट दिया गया है 25% का, 25% ऑफ 140 35, तो 35 माइनस करेंगे तो कितना होगा 105%। यहाँ भी 5% का क्या हो गया प्रॉफिट, ठीक है। और लास्ट अगर हम लोग टी का अगर बात करें, टी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया सीपी एसपी एमआरपी 50% मार्कअप किया गया है, तो अगर ये 100 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा 150, 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 150 का 10% कितना होता है 15, 150 माइनस 15 कितना हो जाएगा 135, यानी कि यहां पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया 35%। अब यहां पे देखिएगा मैक्सिमम प्रॉफिट का अगर हम बात करें तो 35%, दिस इज द आंसर, क्योंकि सबका कॉस्ट प्राइस क्या है सेम है। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को परसेंटेज में नहीं मान के अगर 100 रुपया मान लें, इसको 35 रुपया हो रहा है, इसको 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, इसको 28 रुपया हो रहा है, इसको 8 रुपया हो रहा है, इसको 5 रुपया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट किसको हुआ, टी को हुआ, सिंपल। यानी कि जितना हम कम डिस्काउंट देंगे उतना मेरा क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी कि मार्कअप जो होगा मार्कअप ज्यादा होना चाहिए और डिस्काउंट परसेंट कम देंगे तभी तो हम ज्यादा प्रॉफिट करेंगे, बस। तो आंसर ये आपका आ गया, ठीक है, बाकी ये चार ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है।